पानी का ज्यादा समस्या है, रोड पर पानी चल जा रहा है, कचरा है, रोड पहले देखा जाए। सरकार से यही निवेदन करेंगे, डीएम साहब से यही निवेदन करेंगे, जमीरा पंचायत को अच्छी तरह जांच किया जाए। पानी का बहुत बहुत स्थिति खराब है, पानी के लिए लोग तरस रहा है, एक घर से वो घर जाकर पानी भर रहा, बहुत पानी का खराब है। अपना बच्चे दें जमीरा पंचायत 18 नंबर वार्ड सदस्य प्रदीप कुमार राय के भी है कि या पीने के भी पानी जानता है, गाँव में भी परेशानी है, पधारों में खेतों में कोई पानी नहीं रहता है, बिया भी सूख रहा है, किसी की रोपा नहीं रहा है, बहुत समस्या है। और सरकारी नल पानी कितना है, बोर है, सब सूखा है, कोई उसको परवाह नहीं है, कौन है कौन नहीं है, सब बिया भी सूख रहा है, किसी के रोपा भी नहीं रहा है, बड़ी समस्या है। जल न जल जो है पाइप नहीं पा रहा है जनता को, और जहाँ तक पाइप फटा हुआ है पानी जो है बर्बाद हो रही है, कोई ध्यान नहीं है, ये सब है। जो नाला वगैरह जो है, नाला भी नहीं पूरा कम्प्लीट हो पाया है, ये सब है। गली गली भी सही नहीं है, ना नाला है ना समस्या, पानी की समस्या है, नल जल जो कल लगा हुआ है समय पर पानी नहीं देता है, बहुत धीमी गति से देता है। और क्या समस्या है? और समस्या है कि धान सूख रहा है, व्यवस्था नहीं है, घर बनाने के लिए। इंदिरा आवास में आपका मिला नहीं मिला? नहीं, एक बार नहीं मिला। इसका लेटर लिख के दिए है मुखिया जी को? हाँ, अभी दिए। और क्या समस्या है? और कुछ नहीं है। नल जल का पानी मिलता है? हाँ, नल जल है, एक तो नल है, पानी आता है। हाँ हाँ, पानी आता है। क्या नाम पड़ेगा? कांति देवी। दू गो कल बा, दू गो फेल हो गेल बा, हमारे नल जल नहीं थी, ना हमारे राशन कार्ड बा, हमारे महाला में 7 नंबर वार्ड में हमारे गली गज कर बा, सगरों को लोग दहबा के हमारे गली में कर देता, ये समस्या हमारे बा, ना राशन कार्ड बा, ना हमारे घर पर से भेल बा, या ना हमारे अथी बा, नल जल बा। दू गो कल बा, दोनों फेल बा, आ गली हमारे बचवा जाता, हमारा 7 नंबर में हमारा कोई नहीं बनवाइए हमारे गली। जाना पड़े देवी। आम सभा आयोजित किया गया, सैकड़ों लोग पहुंचे उस आम सभा में, सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को देखने को मिला? सबसे ज्यादा समस्या है जल नल पानी का, जो पीएचडी के द्वारा कराया गया है जल नल का काम, वो पूरी तरह से फेल है। ऐसा ऐसा वार्ड है कि कोई वार्ड में एक भी जल नल का पाइप नहीं गया है, ना नल है उसमें देखने लायक है। जैसे 13 नंबर वार्ड है, 14 नंबर वार्ड है, 15 है, 12 है, 7 है, जिसमें एक भी नल नहीं है। दूसरा समस्या और है, जैसे लोगों को जो आरईओ के द्वारा रोड बनाया गया था, नाला का निर्माण किया गया था सैहर पर से लेके रेलवे लाइन तक, वो भी जाम की समस्या है, उससे रोड फूट रहा है, जनता के तकलीफ हो रहा है, कीचड़ का, पैखाना का, लाइटिंग का पानी, सब रोड पर गिर रहा, सही आदमी डूब डूब कर जा रहे हैं, घर में किसी को घुसता है पानी, बहुत सारा समस्या है। इस आम सभा में जो लोग अपना आवेदन देने आते हैं प्रधानमंत्री आवास का, वो कितना या कुछ कुछ समाधान वगैरह? हाँ, समाधान आवास उवास का बहुत सारा आवेदन पड़ा हुआ है, जाँच करके जैसे आएगा ऊपर से आदेश ये उमस का, उसको फोटो खिंचाएगा, फॉर्म वॉर्म भर के, जो भी कमजोर व्यक्ति है उसको लाभ दिया जाएगा। यानी शाम समय में सबसे ज़्यादा समस्या नल जल का, जो नल जल का समस्या है। दूसरा किसान का समस्या है कि जो कृषि में आज तक बोरिंग का जो नलकों से गला हुआ है, उसमें पाइप धंसा करके खाली छोड़ दिया गया है, ना उसमें बोरिंग का जो रूम बना जाता है, जो रूम नहीं है उसमें मोटर नहीं फिट किया गया है, असही लवारिस तरफ पड़ा है, पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया था नल विभाग से। तो ये आम सभा का समस्या है, ये तो पहली बार आम सभा किया गया है चुनाव जीतने के बाद, जनता के बीच में अपने आम सभा अपने आंकड़ों को भी रखा है ना? आम सभा तो बहुत बार हुआ जी, 6वां 7वां बार है, ये 6ठी 7वीं बार है, जनता के बीच आपने अपने बातों को भी रखा होगा। किस तरीके योजनाएं के था कि कितना गली नली जल नल का, ये सब की जल नल का तो है नहीं, नली गली का कितना काम हुआ, सब का लेखा जोखा दिए। क्योंकि कई बार लगता है लोगों को कि मुखिया के द्वारा ये कार्य होना चाहिए, 32 कार्य मुखिया के द्वारा हुआ है, जो एडवांस में कुछ काम है 42 वो भी हुआ है।
तो मतलब कि आज की समस्या में नल जल था, नल जल का। आपने अपने लेखा जोखा लोगों समक्ष रखा? निर्णय में लिया गया हम लोग का सबसे बड़ा निर्णय कि हम लोग पीएम डीडीसी साहब के पास गुहार लगाएंगे, नहीं सुनते तो जनता धरना दिए के कहते थे जाने के लिए, तो हम लोग पंचायत स्तर से अपना जो भी प्रतिनिधि है हम लोग जीत के आए हुए हैं, जा करके बैठ करके एक दिन आवेदन दिया जाएगा उनको डीएम साहब को, का उस पर सुनवाई करते हैं ना, तब पब्लिक जाएगा अपना। उपस्थित हुए मुखिया जी के साथ, कई तरह की समस्याओं को सुना आपने, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली? देखिए ग्राम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा यह एक बहुत अच्छी पहल है कि आम सभा बुला करके और सारे जनता को, पंचायत के सारे पंचायत प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ड से लेकर जिला परिषद तक पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी योजनाएं कराई जा रही हैं उसको पारदर्शिता के साथ रखना और फिर जनता से राशन, पेंशन, गली नली, नल जल योजना के संबंध में जो भी जन समस्याएं ग्राम पंचायत के स्तर की हैं उन समस्याओं के लिए आवेदन लेना बहुत अच्छा पहल माना जाएगा। और हम आशा करेंगे, और आशा ही नहीं अब विश्वास करेंगे कि जमीरा पंचायत से प्रेरणा लेते हुए सभी पंचायत के मुखिया लोग सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सारी आपसी मतभेदों को या स्थानीय कारणों को दरकिनार करते हुए विकास के सवाल पर सारे जनता के साथ जनप्रतिनिधियों को बैठाने का काम करें और सारे जनप्रतिनिधि मिलकर जो भी पंचायत स्तरीय प्रतिनिधिगण होते हैं, वार्ड सदस्य हों, समिति के सदस्य हों, मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, सब लोग एक साथ बैठ करके और जन समस्याओं को सुने कि अमुक पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और कहां कार्य करना है और कहां कितना कार्य करना है, तो हमारे समझ से बहुत अच्छी रही।